इसका जो नाम है डिफरेंट है, कुछ यूनिक है, जैलपीनो, ठीक है। अच्छा भैया मेरे को ये बताओ कि जलपीनो कौन सा पिज़्ज़ा, किस टाइप का, मतलब कुछ डिफरेंट सा नाम है इसका, कौन सा मजरेला चीज़ है, कौन सा ये? वाह बेहतरीन है ये भी, देख कितनी अच्छी क्वांटिटी में डाला जा रहा है इसके अंदर चीज़। एक बड़ा हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फाइनली हम आपके लिए आ चुके हैं नई वीडियो लेकर के, डिफरेंट एंड यूनिक, जिसे बोलते हैं हम स्ट्रीट फूड, वहाँ पर हैं हम। फिलहाल हम खड़े हुए हैं अभी पिज़्ज़ा पॉइंट पे, आपको दिखाते हैं एक बार, स्ट्रीट पर है, ठीक है। और भैया कैसे हो? बढ़िया। कैसे चल रहा है भैया काम? ठीक ठाक चल रहा है। आपके पास कौन कौन से पिज़्ज़ा है भैया? वेजिटेबल पिज़्ज़ा है, कौन पिज़्ज़ा है, मशरूम वाला है, जलपीनो है, पनीर है। अच्छा भैया मेरे को ये बताओ कि जलपीनो कौन सा पिज़्ज़ा, किस टाइप का, मतलब कुछ डिफरेंट सा नाम है इसका? जलपीनो में ऐसे ऑलिव्स वगैरह आते हैं और ये जो उसमें आइटम क्या डालते हो? ओनियन, कैप्सिकम, टमाटो, कॉर्न, जलपीनो। अच्छा जलपीनो चीज़ तो बनाइए मैं हमारे लिए वाला, एक बार टेस्ट करते हैं हम भी। अच्छा ये पिज़्ज़ा बेस हो गया हमारा, जो जो डाल रहे हो बताते जाना, ठीक है बताइए। ये पिज़्ज़ा टॉपिंग है सॉस, ये पिज़्ज़ा सॉस हो गई हमारी जो बेस पे लगाई जाती है नीचे। ये वेजिटेबल हो गया, ओनियन, कैप्सिकम, टमाटो, ओनियन, कैप्सिकम, टमाटोस, ठीक है। तीन आइटम इसके अंदर आ चुके हैं। बस कौन सा मजरेला चीज़ है, कौन सा ये? वाह बेहतरीन है ये भी, देख कितनी अच्छी क्वांटिटी में डाला जा रहा है इसके अंदर चीज़। अच्छा भैया बनाते बनाते मेरे को ये बताइए ये एरिया कौन सा है, ये मेरे को बताएंगे एक बार? टैगोर गार्डन बरात घर। अच्छा टैगोर गार्डन बरात घर के सामने ही है ये भी है। बाकी अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर यहाँ पर अगर खाना चाहेगा तो उसको अगर हम लोकेशन बता दें किस तरीके से बताएंगे ईजीली, उसको दिक्कत ना हो। टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन बोल दो बस। अच्छा टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन बोल दो और वहाँ पर बारात घर के पास जाना है हमें, उसके सामने ही आपका ये पिज़्ज़ा पॉइंट है। बाकी अगर किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, बेहतरीन ये स्वीट कॉर्न्स डाल चुके हैं इसके अंदर। बाकी अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मैं आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे आप ट्रैक करके भी ईजिली यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। आपके लिए ईजी हो जाएगा भैया, है ना। आप डाल रहे हैं बाकी ये पिज़्ज़ा हमारा ओवन में जाने के लिए रेडी हो चुका है, ये ओवन में डाल चुके हैं इसको। अच्छा ये कितने टाइम लगता है इसको रेडी होने में? 10 मिनट लगेंगे मुश्किल। अच्छा 10 मिनट इस मुश्किल से इसको रेडी होने में लगेंगे। रेडी हो चुका है पिज़्ज़ा, देखिए। बाकी आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा इनके फोटो, पिज़्ज़ा इनका ये रेडी हो चुका है, बाकी ये बनने के लिए रेडी तैयार कर रहे हैं। ये क्या डाल रहे हो भैया? ये ऑरिगैनो, ऑरिगैनो डाल रहे हैं, ठीक है। और ये रेड चिल्ली, बेहतरीन ने इसको स्ट्रक्चर दे दिया। बाकी हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, इसका जो नाम है डिफरेंट है, कुछ यूनिक है, जैलपीनो, ठीक है। बाकी इसमें मैं सॉस डालता हूँ इसके ऊपर, देखिए। बाकी इसके पीस तो काफ़ी अच्छे से कटिंग कर रखे हैं, बाकी मैं एक छोटा सा पीस लूँगा आपको टेस्ट करके बताने के लिए। बहुत गर्म हो रहा है देखो,
बाकी मैं टेस्ट करने के लिए, देखिए काफ़ी अच्छा चीज़ है इसके ऊपर जो रेडी है। टेस्ट के मामले में बहुत अच्छा है, कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा जिसे कहते हैं। बाकी इस पर सारी चीज़ें इन्होंने डाल रखी हैं, कॉर्न स्वीट कॉर्न डाल रखे हैं, वेजिटेबल्स डाल रखी हैं, जैसे आपको मैंने मेकिंग में दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, देखिए काफ़ी अच्छी, बाकी चीज़ काफ़ी अच्छा डाल रखा है इसके अंदर। बेटा कैप्सिकम डाल रखा है, ऑनियन डाल रखा है, स्वीट कॉर्न्स, ठीक है रेडी हो चुका है। टेस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे विजिट कीजिए, काफ़ी अच्छे इनके पास वैरायटी है अलग अलग पिज़्ज़ा की, ठीक है आइए यहाँ पर खाइए, ठीक है और रिव्यू बताइए इनको कैसा है इनका कैसा नहीं है। बाकी मेरे को तो बहुत टेस्टी लगा ये, बाकी लिंक मैंने लोकेशन का डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा आपके लिए, बाकी विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।